हाँ बच्चों, पहले वाले वीडियो में हमने आपको ए सेक्स रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था एनिमल्स में, और आज हम आपको बताएंगे कि ए सेक्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अलैंगिकरण कैसे होता है और कितनी विधि द्वारा। पौधों में जो अलैंगिकरण है वो दो विधियों से होता है, एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव प्रोपोलिस। एपोमिक्सिस means a kind of asexual reproduction by a gamospermy. In a gamospermy, formation of embryo from an unfertilized ovule. इसमें जो embryo formation है वो unfertilized ovule द्वारा होता है। This kind of asexual reproduction is known as a gamospermy, which is a kind of apomixis और अ काइंड ऑफ ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन बाय ए गैमोस्पर्मी तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट वन इज एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, सेकंड वन इज रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी, एंड थर्ड वन इज नॉन रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी। इन एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि इसमें जो भ्रूण है वो डिप्लॉयड सेल्स, न्यू सेल्स की डिप्लॉयड सेल्स द्वारा डेवलप होता है, जैसे सिट्रस प्लांट्स वगैरह में होता है। तो एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यू सेल्स और एंटेलमेंट्स। और रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल्स। इसमें जो एम्ब्रियो है वो द्विगुणित मेगा स्पोर मदर सेल्स के द्वारा होता है। मेगा स्पोर मदर सेल्स अंडरगोज द मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म द रिकरेंट एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी। मीन्स ऐसा एम्ब्रियो जो डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल्स के द्वारा डेवलप होता है उसको कहते हैं रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी। एंड थर्ड वन इज नॉन रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी। इसमें एम्ब्रियो अनफर्टिलाइज एग के द्वारा डेवलप होता है और इसको ही हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। मीन्स एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। तो ये तीनों विधियाँ ए गैमोस्पर्मी की हैं, जो ए सेक्स रिप्रोडक्शन के एपोमिक्सिस के अंतर्गत आती हैं। दूसरा इसका पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब होता है कि जब कोई पौधा बीज से उत्पन्न न होकर पौधे के अन्य किसी भाग से डेवलप होता है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। माने आपने सब देखा होगा कि हम बीज बोते हैं, वो उसमें जर्मिनेशन होता है, फिर पौधा बनता है, लेकिन इसमें बीज से पौधा उत्पन्न नहीं होता बल्कि पौधे का कोई भाग हो, चाहे जड़ हो चाहे तना हो या पत्ती हो, इनके द्वारा जब पौधा उत्पन्न होता है उस प्रकार के प्रोपगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिटेल से बताएंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ए सेक्सुअल प्रोडक्शन बाई एपोमिक्सिस। इस वीडियो में हम ए सेक्सुअल प्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन बता रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब पौधा बीज से न होकर पौधे के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें पौधा स्टेम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। स्टेम के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें सर्टेन एग्जांपल्स हैं,
सर्टेन टाइप्स हैं, उसमें पहला आता है रनर्स। रनर्स में क्या होता है कि कोई पौधा है उससे नीचे के लिए नीचे निकलती हैं रूट्स और ऊपर निकलती हैं लीव्स, और उसके जमीन के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है जिसमें बहुत सारे नोड्स इंटरनोड्स होते हैं, और जैसे ही ये कोई नोड भूमि के टच में आ जाता है वहाँ पर क्लस्टर में एडमिटीज रूट निकलती हैं और ऊपर लीफ निकलती है, और कुछ समय बाद ये पौधा यहाँ से कट हो जाता है और ये अलग हो जाता है। इसका एग्जांपल है साइनोडोन या दुब्रास। इसमें जो ब्रांच निकलती है उसमें बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। सेकंड इसका टाइप है ऑफसेट। ऑफसेट में, और उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि ऑफसेट इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, और दूसरी बात इन दोनों के बीच में एक ही केवल इंटरनोड होता है। यहाँ बहुत सारे नोड इंटरनोड थे, इसमें सिर्फ एक ही नोड होता है। वाटर बॉडी के नीचे की ओर एडमिटीज रूट निकलती हैं, ऊपर की ओर लीव्स निकलती क्लस्टर में, और इनके बीच में एक ही केवल इंटरनोड होता है दूसरा नोड, और दूसरे नोड से पुनः लीव्स निकलती क्लस्टर में और ऊपर लीव्स निकलती है, और इस तरह से ये कुछ समय यहाँ से डीजेनरेट हो जाता है और एक नया पौधा इस बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है एकॉर्निया, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इस एकॉर्निया की विशेषता ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। यदि किसी पॉन्ड में एकॉर्निया का पौधा ग्रो करता है तो कुछ ही दिनों में पूरे तालाब को ढक लेगा वो, तो इससे बहुत सारी हेडेक पैदा होती है जीव जंतुओं के लिए, इसलिए इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इस पर उसका तीसरा टाइप है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो में जो स्कार्स दिख रहे हैं एक्चुअली आईज हैं, और प्रत्येक जो आई है ये इसमें पत्तियां निकलती हैं और ये नए पौधे को जन्म देते हैं। एक्चुअली ये स्कार्स यहाँ से जिप्स निकल रही हैं वो नोड्स कहलाते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल है राइजोम। राइजोम में इसका जिंजर, वरना, टर्मरिक, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इसमें जिंजर में कुछ डिस्टेंस लाइन दिख रही हैं, एक्चुअली ये लाइन्स नोड्स की तरह कार्य करती हैं और अंडरग्राउंड रहते हैं, यहाँ से लीव्स निकलती हैं और प्रत्येक नोड से एक नया पौधा जन्म जाता है। अगला इसका एग्जाम्पल है बल्ब। इसका एग्जाम्पल है अनियन एंड गार्लिक। ये एक छोटा सा स्टेम होता है, नीचे उसकी रूट निकलती हैं, ऊपर उसका स्टेम निकलता है और ये वेजिटेबल प्रोग्रेशन में हेल्प करता है। अगला है इसका कॉर। इसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया। इसमें भी रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं और ऊपर की ओर इसका लीव्स निकलती हैं और पौधा निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल कोलोकेशिया। नेक्स्ट इसका है सकर्स। सकर्स में और रनर्स में थोड़ा सा फर्क है। रनर्स में जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच थी वो पृथ्वी से ऊपर थी, और इसमें सकर्स में वो ब्रांच हॉरिजॉन्टल होगी लेकिन बिलो द ग्राउंड होगी, इतना अच्छा फर्क है। इसका एग्जांपल है क्राइजेंथेमम। ये ब्रांच इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है। और इसका लास्ट एग्जांपल है स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है कि एक बॉडी, ये नीचे लीव्स हैं, नीचे रूट से ऊपर लीव्स हैं, और दूसरी जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है वो एक्चुअली लूप बनाती हुई जाती है, पैरेलल नहीं जाती, और यहाँ जहाँ से जहाँ ग्राउंड टच करती है वहाँ पर लीव्स निकला दी प्रोसेस में, ऊपर लीव्स निकलेगी, नीचे निकलाएगी रूट्स, और जैसे ये यहाँ से इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा और ये नया पौधा बन जाएगा। इस तरह से ये वेजिटेबल प्रोग्रेशन के बारे में आज हमने आपको बताया। नेक्स्ट टर्न पर इसके और दूसरा, अभी हम आज स्टेम लिया है सिर्फ, कल रूट्स और इसके बाद लीव्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।